हरे कृष्ण। तो प्रश्न ऐसा है कि गोपियों जो है वो कभी भी जप तो नहीं किया, मंत्र उच्चारण मंत्र उपचार नहीं किया, फिर भी कृष्ण के साथ बहुत निकट हैं, बहुत करीब हैं, ऐसा क्यों है? ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ही कि खास करके इस्कॉन में हम लोग बहुत बार सुना है कि 16 माला करो, 16 माला, ऐसा 16 माला क्यों है? कि 4 माला नहीं होएगा क्या, 8 माला नहीं होगा, 16 क्यों है, बार बार ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका दो प्रश्न है। पहले प्रश्न हम देखेंगे कि गोपियों कभी मंत्र उपचार नहीं किया, कभी जप नहीं किया, ऐसा नहीं हम देखें कि कहीं पे भी कि गोपियों जप माला लेके बैठे, तो फिर भी कृष्णा का बहुत प्रिय है। जैसा पहले भी हमने सुना है कि कृष्णा का सबसे उत्तम भक्त जो है वो गोपियों हैं, क्योंकि गोपियों पूर्ण तरह से निस्वार्थ हैं। वो गोपियों जो है वो रेडी हैं सब कुछ त्याग करने के लिए, परिवार नहीं, समाज नहीं, लेकिन खुद का प्रसिद्ध है, खुद का नेम है, फेम है, जो भी है, उनको भले समाज में उसका बुरा नज़र आ जाए कि भी जाने दो, बस कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए वो सब कुछ करने का तैयार है। तो गोपियों का भाव ऐसा है, इसलिए बहुत प्रिय हैं कृष्ण को। तो ये हम देख सकते कि पहले चीज़ जो है कि गोपियों साधारण जीवात्मा नहीं है। गोपियाँ जो हैं, जितना भी गोपियाँ हैं, श्रीमती राधा रानी और जितना भी अनेक अनेक हज़ार हज़ार या लाखों लाखों कोटि कोटि गोपी जो हैं, वो सभी भगवान श्री कृष्णा का नित्य सिद्ध अंश हैं। वो हमारा जैसा नहीं है, हम लोग जो है नित्य बद्ध, वो हम जो है इस घिरे हुए हैं, जो भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। और जो गोपियाँ हैं वो साधारण जीवात्माएं नहीं, हो भगवान का अंश है, भगवान का डायरेक्ट अंश, जो हमेशा नित्य सिद्ध है, वो कभी माया के अंदर आया नहीं है, है ना? तो उनके लिए कभी कुछ स्वार्थ या भौतिक इच्छा कभी उत्पन्न नहीं होते, तो दे आर इटर्नली परफेक्टेड। तो इन लोगों के लिए, जैसे ये गोपियों के लिए, तो साधना करने का आवश्यकता नहीं है। हम जो है, हमारे लिए हम साधना आवश्यकता है, तो इसलिए हमको कहते हैं कि हमको जप ज़रूरी है। क्योंकि गोपियों जो है, जैसे कृष्णा लीला में वर्णन आते हैं कि माता यशोदा जो है, जो कृष्ण के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, जब वो घर का काम करते भी वो हमेशा गाना गाने लगे, कि कौन से गाना, कृष्ण जी का पास टाइम है, कृष्ण के बारे में गाने लगे, जब भी वो मंथनी करते, जब भी कुछ भी काम घर का काम करते, जो रोज़ घर का काम होते हो, वो हमेशा जो भी देखते हो भगवान का संबंधित में देखते हैं। तो हम ऐसा नहीं ना, हम तो कभी कभी पिक्चर का, फिल्म का गाना याद करेंगे, या चले हुए इधर उधर देख के तो हम दूसरी चीज़ याद करेंगे, हमेशा तो 24 घंटे तो भगवान का याद नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा ज़रूरी है। एक उदाहरण ऐसा है कि अगर कोई बोलेंगे दवाई किसके लिए है, तो दवाई जो लोग बीमारी हैं उनके लिए है, जो बीमारी लोग हैं, जो उसके पास कुछ बीमार है, तो उनके लिए जो बीमार है, जो जो बीमारी लोग हैं उनके पास, उनके उनके लिए दवाई है। अगर आप कहते हैं अरे मैं क्यों दवाई ले रहे, उसको भी दे दो, उसको भी खिलाओ दवाई, अरे उसका स्वास्थ्य तो है ठीक है, उनके लिए ज़रूरी नहीं। हाँ, तो हम बोल नहीं सकते कि मैं ही दवाई ले रहा हूँ, सभी लोग भी लेना नहीं। अगर हमारे पास रोग है तो हम दवाई जो है ज़रूरी है। इसलिए ये संसार का जीवन जो बोलते कहते हैं कि एक भव रोग है, सबके पास, सब लोग रोगी हैं। क्या है ये रोग? कि हम सोच रहे हम ये शरीर है, हम सोच रहे ये जन्म ही सब कुछ है, हम सोच रहे ये भौतिक चीज़ है, ये ठीकने वाले, ये हमेशा के लिए, ये नित्य है, नहीं है। हम भूल गया कि हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। ओके, तो ये पहले प्रश्न, हमको क्यों ज़रूरी है, हमको जब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम बीमारी हैं, हमारे हम जो है संसार में फंसे हुए हैं, और अगर हम इससे ठीक होना, हमको बेटर करना, हम रोग से मुक्त करना, तो हम ज़रूरी ये दवाई या साधना में लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि 16 माला क्यों है, 4 माला नहीं कर पाएगा, 8 माला, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स तो सेट होना। एक्चुअली जैसे मैंने प्रीवियसली कुछ ऑडियोज में भेजा था गुरु के प्रति, उसमें लिखा कि अगर कोई दीक्षा लेना चाहे तो इस्कॉन में, ये गौड़िया ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, तो कम से कम 16 माला तो करना। ये शिला प्रभुपाद का कृपा है एक्चुअली, क्योंकि जब भी शिला प्रभुपाद का टाइम, उनका गुरु महाराज से दीक्षा ली, तो उस टाइम में 64 माला था, 64 राउंड्स था, और सभी लोग करते थे, मतलब 8 घंटा रोज जप करते थे।
तो श्रील प्रभुपाद जब भी पाश्चात्य देश में प्रचार करते, वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार करते, तो तब देखा थे लोग बोलते कि 8 माला 8 घंटा जप करने का ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो श्रील प्रभुपाद का कृपा के अनुसार श्रील प्रभुपाद ने कम किया, बोला ठीक है भाई कम से कम 16 तो करो, इससे कम नहीं होगा। 16 मतलब 2 घंटा। तो भगवान ने हमको 24 तास दिया, 24 घंटा दिया, और हम केवल बस 2 घंटा या 1.5 2 घंटा देते वापस भगवान को। तो इस प्रकार से अगर इस दिशा से हम सोचेंगे तो हम देखें एक्चुअली भगवान बहुत कृपालु हैं। ये कुछ भी नहीं है, 2 घंटे में क्या है, 24 घंटे में 2 घंटे में क्या है, बाकी तो 22 घंटे तो हमारे लिए खुद के लिए, 2 घंटा ही दे रहे भगवान को। सो अगर कोई दीक्षा लेना चाहिए तो कम से कम ये लेवल में आना चाहिए, एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड पे आना चाहिए। ऑफकोर्स जो नया नए लोग जोड़े हैं शुरुआत में चलेगा, आप 1 माला करो, 2 माला करो, 4 माला करो, 8 माला करो, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ कुछ लोग जो हैं सालों सालों से जोड़े हैं लेकिन फिर भी वो 1 ही माला ही कर रहे हैं, तो ताकत थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। तो हम माला कर रहे क्यों, ये एक शक्ति है, हम प्रार्थना कर रहे भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे बुद्धि दो, मैं आपका भक्ति करना चाहिए, मैं बहुत कमज़ोर है, माया बहुत प्रभावित है, मैं लड़ाई युद्ध नहीं कर सकती माया के साथ, कृपा करके भगवान मैं आपका शक्ति चाहिए, प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दो। तो भगवान बोलते ठीक है आप और तीव्रता आतुरता से नाम ले लो। ऐसा मैकेनिकल नहीं कर चैंटिंग नहीं करना चाहिए, दिल पूर्वक, हृदय पूर्वक, भावना पूर्वक, जैसे एक बच्चे माँ के लिए रोते, माँ को पुकारे, तो इस भावना में हम जप करना चाहिए। कि पता होना चाहिए कि संसार में कितना कठिन है, इस दुनिया में इस जगह पे दुख ही दुख है, सुख प्राप्त करने का असंभव है ही नहीं। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे हे भगवान ये माया बहुत मुझे मूर्ख बना दिया, कृपा करके आपका शरण दे दीजिए। तो इस भावना से अगर हम जप करेंगे अतुर से तीव्रता से, तब वो दवाई या जो साधना है ये काम आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान का स्मरण करेंगे। तो ये साधना प्रोसेस किन के लिए, जो लोग सीरियस हैं कि मुझे इस भौतिक संसार में बाहर आना, मुझे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, मुझे भगवान श्री कृष्ण का सेवा में लगाना चाहिए, मुझे भगवान को संतुष्टि करना। अगर कोई इस तरह से विचार है तब ये साधना उनके लिए, नहीं तो बस हम माला घूमते रहते हैं और इच्छा बढ़ते रहते हैं तो कुछ फायदा नहीं। तो माला किन के लिए, जो जो लोग सीरियस है, और जो सीरियस है वो अपने आप ऑटोमेटिक उसका रुचि भी आते हैं, उसका इच्छा भी है कि मुझे बढ़ाना, मुझे आगे जाना, मेरा जो आध्यात्मिक प्रगति प्रगति जो है उसको अच्छे तरफ से प्रोग्रेस होना चाहिए। हरे कृष्ण।